खरगोन जिले में भारतीय मजदूर संघ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में जंगी प्रदर्शन किया। हम आपको बता दें कि महंगाई अपने चरम स्तर पर पहुंच चुकी है और आमजन का जीना दुश्वार हो गया। ऐसे में भारतीय मजदूर संघ ने मोर्चा खोला और आगामी समय में समस्या का निवारण नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने मानदेय महंगाई के आधार पर देने की बात कहते हुए महंगाई को स्थिर करने की मांग की, जबकि मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष की माने तो आमजन की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। मीडिया से रूबरू अध्यक्ष ने यह भी बताया कि अगर समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो विकराल जंगी प्रदर्शन करने के लिए वे तैयार हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। महंगाई के विरोध में खड़े हुए हैं क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और मानदेय पे जो टीके हैं, जैसे मजदूर वर्ग है उनकी मानदेय भी, उनका मजदूरी की कम मिल रही है और जो जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको मानदेय कम मिल रहा है। इतने कम मानदेय में, बढ़ती हुई महंगाई में वो उनका गुजर बसर कैसा होता है, उनके बच्चों को कैसे पाल रहे हैं। तो शासन से हमारा यही है कि महंगाई बढ़ा रहे उसी तरह हमारा मानदेय भी बढ़ा, और अगर नहीं बढ़ाए तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे इसके बारे में, मानदेय बढ़ाया जाए हमारा। क्या नाम है आपका? आशा मोदे। मजदूर संघ का पूरे प्रदेश में महंगाई को लेकर जिला मुख्यालय पर आज प्रदर्शन और धरना है। क्या मांग की आपने? मांग ये है कि जो बेलगाम महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसका सरकार के द्वारा कोई नियंत्रण नहीं है, महंगाई बेलगाम होती जा रही है और इसमें गरीब मजदूर वर्ग बहुत परेशान है और अपने जीवन व्यापन चलाने के लिए उसको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या मांग किया आपने? हमने सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि महंगाई को अगर कम नहीं किया जाए तो आगामी दिनों में भारतीय मजदूर संघ बड़ा आंदोलन करेगा। क्या नाम है आपका? नरेंद्र पटेल, भारतीय मजदूर संघ, जिला खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।